हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिज़ा फूड इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमने बनाए कचरी कबाब, इसे आप लखनवी कबाब या टुंडई कबाब या फिर गलावटी कबाब कहते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी मेकिंग। सबसे पहले हमने लिया है 400 ग्राम बीफ का कीमा, ये देखिए महीन कीमा है ये। और इसके लिए मैंने दो बारीक प्याज काट ली मीडियम साइज़ की और 4 से 5 हरी मिर्च, चलिए हरी मिर्च काट लिया हमने। और इसमें ऐड करते हैं, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये देखिए थोड़ा सा और ऐड करेंगे, लगभग 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर हम। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, और इसमें हम ऐड करेंगे अब गरम मसाला 1/2 चम्मच, आधा चम्मच, और इसमें हम ऐड करेंगे मिर्चा पाउडर, ये 1/2 चम्मच है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी ली है 4 से 5, इसलिए हमने 1/2 चम्मच ये दीजिए। अब नमक स्वाद अनुसार डालना है, हमने 2 चम्मच डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इसको खूब कायदे से मसल मसल के हमें मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, खूब अच्छे से कम 4 से 5 मिनट तक इसे मसल कर हमें इसे मिलाना है, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। ये देखिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ, ये चने का बेसन है। बेसन हमें ज़्यादा नहीं मिलाना, नहीं तो हमारे कबाब टाइट रहेंगे, फिर सॉफ्ट बनने चाहिए कबाब। इसमें हम पपाया का पेस्ट भी डालते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं कबाब, एकदम गिलावटी कबाब, टुंडई कबाब, जो लखनवी कबाब होते हैं वही वैसे ही सेम रेसिपी ऐसे ही होती है। देखिए हमने अच्छे से मिला के उसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम इसको ढक कर रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद हम देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया, उसके हमने गोले बना लिए हैं, और इसे हल्का से चपटा करके फ्राई करेंगे। ताए में तेल डाल दीजिए, चाहे तो आप इसे रिफाइन ऑयल से तलिए या फिर सरसों के तेल से। हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे जो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। गोले बनाने के हल्का से इसे प्रेस करना है और चपटा कर लेना है, सब आप एक साथ बना लीजिए। फिर उसके बाद हम ताए पर डालेंगे, ताया हल्का मीडियम आंच में गर्म होना चाहिए तेल। ये देखिए हमने 5 से 6 पीसेस बना लिए, हम आपको तल के फ्राई करके दिखा दे रहे हैं। एक से 7 5 या 6 पीस ही डालना, ज़्यादा मत डालना, ये तो फूटने लगता है। एकदम मीडियम आंच पे से हमें फ्राई करना, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं फ्राई करना है, और इसे कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। जब ये नीचे से अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा तब इसे हम पलटेंगे, तुरंत नहीं पलटना है, नहीं तो ये हमारे कबाब फूट जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप चाहें जिसमें धनिया या फिर पुदीना हरी पत्ती बारीक काट के इसमें मिला सकते हैं। यहाँ पर इसको स्टिक कर दिया है हमने, देखिए हमने इसको पलट दिया है, एक तरफ हमारे ब्राउन हो गए हल्के, तभी हमने इसको पलटा है। हम इसे एक तरफ और फ्राई करेंगे, फिर एक बार और पलटेंगे हम। ये ब्राउन जो लाल कबाब चलने फ्राई करने में, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। देखिए हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं आप तक पहुँच जाए। बाय।